अगर आज बस्तर में हालात देखें, बस्तर में जो लड़ाई चल रही है, जो वॉर का जो सिचुएशन है, वो आज का नया नहीं है। कई सालों से बस्तर इस चीज़ से जूझ रहा है। जो अत्याचार जो आज हो रहे हैं, जो कहानियां हम आज भी सुन रहे हैं, उससे कई गुना हमने सलवा जुदुम के समय देखा था। डर ये है कि आज जिस तरह से ये सरकार और नई सरकार जब से आई है 2014 में, तब से जिस तरह से बड़ा है यहाँ पे, और ये 2005 में जब सरवाज उद्यम आया था, उसके बाद से अगर आप देखें तो हर एक बहुत ही लंबा फेज आया था जहाँ पे कई बहुत तरीका का अत्याचार हुआ था, इतने लोग डिस्प्लेस हुए थे जो सरवाज उद्यम के समय हुआ था, वो एक फेज था। जब उसके बाद वो चले गया तो ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ था, अब फिर एक थोड़ा सा कमी आया, फिर जिस तरह की घटनाएं हम तब सुन रहे थे, थोड़ा सा एक दो साल का शांति हुआ, लेकिन फिर से अभी जो देख रहे हैं और सरकार की जो नीति अभी जो समझ आ रही है, उनका इरादा यही है कि इस एक साल में, अभी आगे आने के एक साल में, जिसको ये लोग मिशन 2016 बोल रहे हैं, उसमें पूरी तरह से आदिवासियों का, मतलब जो लग रहा है वो आदिवासियों का सफाया ही लग रहा है। ऑफकोर्स उनका इंटेंशन है कि वो माओवादियों को पूरी तरह से हटा देंगे, और उसका सल्यूशन जो सरकार का है वो सिर्फ मिलिट्राइजेशन ही सल्यूशन है। तो अगर आप देखें तो एयर स्ट्राइक्स का प्लानिंग हो रहा है वहाँ पे, उसका प्रैक्टिस किया जा रहा है, वैसी चीज़ें आप, और जानते हुए कि वहाँ पे जो हालात हैं, आप अपने खुद के लोगों पे इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि सरकार को अंतर नहीं पड़ रहा है बहुत तरह से। मतलब जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, हमको 3 साल हो गए हैं अभी बस्तर में, मैं जुदुम टाइम का तो मैं नहीं थी, पढ़ा है उस बारे में, लेकिन अभी 3 साल में भी अगर देखें तो 2014 का पहला जो हमारा एक साल था, और 2014 के बाद का अगर एक साल दो साल देखें तो बहुत साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एनकाउंटर्स का नंबर जो बढ़ गया है, जो अरेस्ट का नंबर, जिस तगाद में लोग अरेस्ट हो रहे हैं, जो फर्जी सरेंडर दिखाए जा रहे हैं, जो गांव के गांव फिर से, जैसे जुदुम समय हुआ था, गांव के गांव फिर खाली होने लग गए हैं, कैंप्स में लोगों को डाला जा रहा है, वो अब फिर से वही। और ये जो विजिलेंटे ग्रुप्स, जैसा सलवा जुदुम आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था अपने ऑर्डर में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो जिन लोगों ने करी है, और बहुत कुछ करीबन 100 गैंग रेप्स या रेप्स के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे, कई लोगों को मारा गया था, डिस्प्लेसमेंट, नुकसान, उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने करा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो कभी नहीं करा। उसके जगह पे सलवा जुदुम नाम तो चले गया, लेकिन जिन लोगों ने किया था वो आज भी हैं, वो हमेशा, वो उन लोगों ने बाद में पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया। छत्तीसगढ़ सरकार, आई थिंक ऑर्डर आया था 2011 में, जब उसके कुछ महीने बाद ही 2012 में उसके कुछ महीने बाद ही ऑक्सिलरी फोर्सेज एक्ट लाके उन सबको एक ऑफिशियल पोजीशन दे दिया। तो जो विजिलेंटिज्म था, आप उसको फिर ऑफिशियली आपने कह दिया कि नहीं, अभी उनको, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। यही चीज़ हम अभी फिर से देख रहे हैं, फिर से ये छोटे छोटे से ग्रुप्स, विजिलेंटे ग्रुप्स बन रहे हैं, जिसमें लोकल लोगों को आर्म किया जा रहा है, लोकल लोगों को यूज़ किया जा रहा है, और जो जेन्युइनली शायद नक्सल पीड़ित लोग हैं भी, उन लोगों को भी, उन लोगों की भावनाओं को यूज़ करके उनको भी इस वॉर में फिर से फोर्स किया जा रहा है। उन लोगों किसके खिलाफ यूज़ किया जा रहा है? जैसे कि अभी हाल में एक इंसिडेंट हुआ था, तो सरकार बेसिकली अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनको यूज़ कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मांग कुछ रख रहे हैं, सरकार के जो एक्शंस हैं या एक्सेसेस हैं उसको डिफेंड करने के लिए अभी उनको यूज़ किया जा रहा है। हाल ही में जब जनवरी में एक बेलम नेंद्रा में एक काफ़ी बड़ी सेक्सुअल वायलेंस का केस बाहर आया था, जहाँ 13 औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसमें जब औरतें, 13 औरतें बाहर आईं, जब अपने कंप्लेन कराने आई थी, और हम लोग वकील थे उनके वहाँ पे, तो यही नक्सल पीड़ित संघर्ष समिति जो बनाया है वहाँ पे, जिसको लीड पुराने एक सलवा जुदुम के लीडर है मधुकर राव, वो कर रहे थे, वो आके उन लोगों को, औरतों को डरा रहे थे कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन मत करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने कंसर्न्स रख रहे हैं, जो दिख रहा है साफ कि वो पुलिस को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, और यही आज का हालात है कि आप कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। जो आवाज़ उठा रहा है वहाँ पे गांव में, आप मतलब गांव वाले तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, मतलब आप जब बाहर, हम जैसे लोगों पे जो हमारे साथ हुआ या पत्रकारों के साथ जो हो रहा है, जो लोग बाहर तो भी जानते हैं लोगों को, उनको भी, उनको निकाला जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है, जैसा सोनी सोरी के साथ हुआ, क्योंकि वो आवाज़ उठा रही थी लोगों को, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कर रही थी लोगों को, लोग बाहर आने लग गए थे जब सोनी आई जेल से छूट के, उसके बाद से
जिस तरह के एक अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट देखा गया है, और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है, मतलब एक तरफ तो सरकार बोलती है कि नक्सलियों को मत ज्वाइन करो, डेमोक्रेसी में बिलीव करो, जब डेमोक्रेसी के ही इंस्टीट्यूशंस के विद इन आप कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, उसका भी स्पेस किसी को वहाँ पे आवाज़ उठाने का दिया नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की समझ में भी दिक्कत है कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि जैसा सलवा जुदुम में हुआ था, ऐसी चीज़ें सरकार कि खुद के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सरकार को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को अपने खिलाफ और ज़्यादा कर रही है जो, और यही चीज़ सलवा जुदुम के समय भी हुई थी। सोनी का जब अरेस्ट हुआ था, सोनी पे कुछ 8 केसेस डाले गए थे, 8 या 7 केसेस डाले गए थे, उनमें से आज सिर्फ 1 केस बचा है, बाकी सब में वो बाइज्जत बरी हो चुकी है। जो वो 1 केस है, और ये 2012 का केस है, वो आज भी उस पर गवाही शुरू नहीं हुई है। 4 साल हो गए उस केस को, 4 साल से सिर्फ वो केस चला जा रहा है, उसमें चार्ज भी नहीं लगा था, और वो सबसे बड़ा केस भी है। उसमें उन पर सेडिशन का UAPA CSPS है, जो छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम है, या UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, और सेडिशन जैसी धारा है वो लगाई गई है। ये है कि उनको ज़मानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से इस केस में, क्योंकि उस केस में कोई सबूत नहीं है। उन्हीं के केसेस को पढ़ के हमें समझ आया था एक्चुअली कि क्या हो रहा है वहाँ पे, किस तरह से कोर्ट का प्रयोग किया जा रहा है लोगों पे दबाव बनाने का। अब कोर्ट लोग जाते हैं अपना रिड्रेस के लिए, वहाँ पे कुछ अगर कुछ होता है, कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। लेकिन अगर बस्तर में जो हमारा स्टडी रहा है पिछले 3 साल में अगर देखें, तो जुडिशरी को बहुत एक्टिवली यूज़ किया जा रहा है टू ओप्रेस पीपल, मतलब लोगों को और दबाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। कोर्ट जहाँ जिस तरह से वहाँ का पूरा न्यायपालिका काम कर रहा है, वो आदिवासियों के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहा है। लोगों को ज़मानत नहीं मिलती है सालों साल। आप बस्तर की जेलों को देखें, मतलब सोनी के ही आप सिर्फ 8 केसेस को देख लें, एकदम मतलब वो वैसे केसेस कभी दिल्ली के कोर्ट में या कहीं के भी कोर्ट में वो फर्स्ट स्टेज के भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनमें कोई सबूत नहीं था। और ऐसा सिर्फ सोनी नहीं है, ऐसे हज़ारों लोग अंदर हैं जो इतने साल साल जेल में रहते हैं, और छत्तीसगढ़ की जेलें सबसे ज़्यादा सबसे अधिक ओवरक्राउडेड है पूरे देश में। जो ओवरक्राउडिंग है वहाँ की, वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे एक कांकेर करके जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल है, वहाँ पर 65 की कैपेसिटी है। उसमें एक समय में 2014 का मुझे याद है, हम लोगों ने जब फिगर्स निकाला था, कुछ 450 लोग थे। लोग शिफ्ट्स में सो रहे थे, वहाँ डायरिया का आउटब्रेक हो गया था, 25 साल 26 साल के यंग नौजवान लड़के डायरिया से मर रहे थे। तो और यही हमारा, हमने इसी चीज़ को स्टडी किया था, तब समझ आया था कि किस तरह से आप कोर्ट में, और यही सोनी के साथ भी हुआ कि कोर्ट को यूज़ करके बिना किसी सबूत के आप पहले तो लोगों को सालों साल इतनी दयनीय स्थिति में रखते हैं, और फाइनली अगर आप देखें, और इस चीज़ का हमने फिगर्स RTI से निकाला था, 98 से 99% लोग अक्विट होते हैं। तो आप छूटेंगे ये गारंटी है, क्योंकि केसेस ही झूठे डाले जा रहे हैं, और हमने केसेस को एनालाइज किया था। ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन अपना काम नहीं कर रहा है, वो केसेस हैं ही ऐसे जिसमें कोई मतलब पहले दिन से पता है कि वो छूटने वाले हैं, लेकिन कभी आपको बेल नहीं मिलेगी, वहाँ पे बेल मिलती ही नहीं है। मतलब वो मान के चलिए, मतलब वो सबको पता है, वहाँ पे वकीलों ने बेल का एप्लीकेशन डालना छोड़ दिया है, क्योंकि पता है कि बेल नहीं मिलती है। अगर आप बात करें वकीलों से तो वो यही बोलेंगे कि क्यों डाल रहे हैं, मतलब अभी ख़त्म तो हो जाएगा कुछ सालों में, तो ठीक है बेल तो मिलना नहीं है, फ़ायदा क्या है। और हर कोई हाईकोर्ट डालने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। सोनी के केस में हो पाया, लेकिन बाकी लोगों के इतने हज़ारों लोग जो अंदर है, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं वो करने से। यही सब देख के, यही सब समझ के हमारा इसी उद्देश्य थे कि वहाँ पे अगर हम लोग लीगल, मतलब इसी को समझने के लिए ही कि कोर्ट में क्या हो रहा है, हम लोग गए थे। 3 साल में ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब बिल्कुल, मतलब अगर गांव वाले कभी कोर्ट के पास इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनको तकलीफ है, उनको ज़बरदस्ती मतलब फोर्स किया जा रहा है फर्जी केसेस डाल के। और जब वो जाते हैं, जैसे कोई एनकाउंटर केस होता है, आप कोर्ट्स के सामने अपनी मारपीट का, थाने में मारपीट होती है, कई केसेस में हमने एप्लीकेशन लगाई है कस्टोडियल टॉर्चर की, जज सुनने से मना कर देते हैं। जज बोलते हैं हम क्यों माने आपकी बात, पुलिस तो बोल रही नहीं हुआ, इलीगल डिटेंशन की बात कर रहे हैं कि नहीं, वो 10 दिन से गायब है, 10 दिन से उसको थाने पे रख रखा है। हमको बोला, कोर्ट में बोला जाता कि नहीं, लेकिन FIR में तो लिखा है वो कल ही अरेस्ट हुआ है। मतलब कोई भी
सुनने वाला वहाँ पे है ही नहीं, ये तो साफ दिखाई देता है। सी बस्तर में अगर देखें तो वहाँ से खबरें बाहर नहीं आती है। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो उनको हमसे दिक्कत हुई थी कि खबरें बाहर आने लग गई थी, कि एक स्पेस क्रिएट होने लग गया था। और ये सिर्फ हमारा नहीं था, मुझे लगता है एक ओवरऑल जो पिछले 2 साल में सिचुएशन क्रिएट हुई है, जहाँ पे हम लोग कोर्ट में केसेस कर रहे थे, सोनी जो थी जेल से छूटने के बाद वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर रही थी प्रोटेस्ट, अगर इंकाउंटर के केसेस में उसने मुद्दे उठाए हैं, हम लोगों ने उस इन इंकाउंटर के केसेस हो या सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हो, हमने लोगों को रिप्रेजेंट किया है। वो ये सारी कहानियाँ बाहर आ रही थी जो आप नहीं सुनते हैं। मालिनी सुब्रमण्यम जो पत्रकार थी, वो 1 साल से उन्होंने कई अच्छे लेख, कई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स लिखे हैं जहाँ पे सरकार का जो फर्जी एनकाउंटर्स का स्टोरी हो या फर्जी सरेंडर्स का स्टोरी हो, वो बिल्कुल सामने आया है। तो यही कारण है आई थिंक छत्तीसगढ़ सरकार बेसिकली नहीं चाहती, और ये सरकार का किया हुआ है, इसमें कोई दो मतलब वो नहीं चाहते हैं। और स्पेशली अभी जब हम लोग के साथ ये सब, जब हमें भी निकाला जा रहा था, जब हम लोग कलेक्टर से या एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे थे, उन्होंने हमको साफ साफ बोल दिया था कि देखिए 1 साल में इस एरिया को साफ करना है और हम कोई भी डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम लोग जो थे वो डिस्ट्रैक्शन बन गए थे, क्योंकि और सिर्फ हम नहीं, जैसा मैंने कहा कि कई चीज़ें हुई थी, वो जो 3 इंसिडेंट थे सेक्सुअल वायलेंस के जो उठे थे, जो बाहर आए थे, मतलब 1 अक्टूबर में, और ये साफ दिखता है कि अक्टूबर से हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। अक्टूबर में एक इंसिडेंट हुआ था बीजापुर में, जहाँ पे 3 औरतों के साथ गैंगरेप हुआ था, और कई औरतों के साथ, कुछ 20-30 औरतों के साथ अलग अलग तरह का शारीरिक प्रताड़ना की गई थी। जनवरी में 2 इंसिडेंट्स हुए थे सेक्सुअल वायलेंस के, एक गांव में 13 औरतों के साथ हुआ था बेलम नेंद्रा, और कुन्ना में कुछ 5 औरतों के साथ अलग अलग तरह के, उनको नंगा करके, उनके ब्रेस्ट निचोड़ के उनको नंगा चलवाया गया था। मतलब बहुत ही एकदम शेमलेस जो एक्ट्स होते हैं, मैं मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उस तरह की घटना हुई थी। लेकिन औरतें बाहर आई थी, मतलब सोनी भी थी, हम लोगों ने उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन हुआ, लोग भी ज़मीन पे भी लोग, सब लोग बाहर आके उन औरतों ने बहुत हिम्मत करके FIR दर्ज कराने की कोशिश करी। इन 3 इंसिडेंट्स में फाइनली पहली बार, और अब सोचेंगे कि सलवा जुदुम जैसा फेज हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे इतने रेप्स के केसेस हुए हैं, आज तक कोई FIR कभी नहीं हुई है। पहली बार बस्तर की हिस्ट्री में फोर्स वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। ऐसी चीज़ें सरकार के से ऑफकोर्स बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यही कारण था कि सोनी को चुप, जब सोनी पर अटैक हुआ, और वो सब एक साथ हुआ, पहले मालिनी एविक्ट हुई, उसी दिन हमारे लैंडलॉर्ड को धमकाया गया और हमको निकाला गया। जिस रात हम निकल रहे थे, मुझे आज भी याद है कि सोनी हमारे घर हमसे मिलने आई थी शाम को, जब वो आई हमारे सामने उसे एक फ़ोन आया था कि पुलिस उस पर शायद कोई अटैक करने वाली है, उसे ढूंढ रही है। हमने सोचा नहीं था कि वो उसी वक्त और इतना उसी दिन कुछ घंटों बाद हो जाएगा और इस तरह का होगा। हमको लगा जिस तरह से मालिनी के घर पे पत्थर फेंके गए थे, उसी तरह सोनी के घर पे भी गुंडे भेज के कुछ करवाएंगे, और उसके बच्चे अकेले थे घर पे, तो उसको वापस जाना था, वो वापस गई। और जब उनको अटैक किया गया, 3 लोगों ने जिन्होंने अटैक किया, उसको 2 बातें बोली गई थी कि जो IG कल्लूरी है, जो 2014 में जो पोस्ट हुए थे बस्तर में, जो पहले SP रह चुके हैं दंतेवाड़ा के, उनके खिलाफ कंप्लेंट करना बंद करो। सोनी पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की कोशिश कर रही थी, और एक मारडूम एनकाउंटर हुआ था उसी महीने में, फरवरी में ही, जिसमें एक हिड़मा करके था, बस्तर डिस्ट्रिक्ट से ही मारडूम गांव का हिड़मा था, जिसे पुलिस ने माओवादी बोल के मार डाला। लेकिन जब उसके परिवार वाले बाहर आए, उसके 7 बच्चे थे, उसके पास आधार कार्ड था, उसके पास फॉरेस्ट का पट्टा था, उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी माओवादी के पास है, मतलब, और अभी अभी इशू करा हुआ, वो पहले भी जेल रह चुका है, उसको पुलिस ने माओवादी बोल के दिखाया गया। सोनी उनके परिवार वालों को रायपुर तक ले गई DGP से मिलवाने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उसके बाद जब सोनी पर अटैक हुआ तो एक चीज़ ये भी बोली गई थी कि मारडूम का मुद्दा उठाना बंद कर दो, क्योंकि वो एकदम साफ हो, तो सबको पता था कि वो फर्जी है, मतलब उसमें कोई दो राय था ही नहीं कि कोई कन्फ्यूजन हो। यही कारण है सोनी की हिम्मत है कि वो आज भी लड़ी है इतना कुछ होने के बाद, और क्योंकि उसके बाद भी उसके परिवार वालों के साथ जो किया जा रहा है, मतलब सबको पता है कि सोनी पर किसने अटैक कराया है, कोई मतलब किसी को ये डाउट नहीं है कि पुलिस का इसमें हाथ है, लेकिन फिर भी पुलिस जिस तरह से प्रोसीजर
का बहाना यूज करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करी और उसको और प्रताड़ित करने की कोशिश करी, उसके परिवार वालों को फंसाने की कोशिश कर रही है। ऑफ कोर्स कोई इन्वेस्टिगेशन ढंग से की नहीं जा रही है और वो बता चुकी हैं कि उनको किस पे डाउट है, लेकिन वही हालात है वहाँ पे। कोशिश, जैसा मैंने कहा कि ये सब इसीलिए हो रहा है कि आवाज़ बाहर ना आए, सच बाहर ना आए, वहाँ जो सरकार करने का सोच रही है। अब अगर इस साल में एनकाउंटर्स देखें, कुछ 70 एनकाउंटर्स हो चुके हैं सिर्फ अभी अभी 4 महीने के अंदर। ये 70 पिछले पूरे साल में भी 70 एनकाउंटर नहीं हुए थे। और तो ये, और इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे फर्जी हैं। दो जो मुझे कहानियाँ पता चल रही है गाँव से, जो हमको खबर आ रही है, इनमें से ज़्यादातर, मेरा मानना है कि ज़्यादातर फर्जी है, लेकिन नहीं मानते, चलिए आप पहले से नहीं मानिए, लेकिन ये तो स्पेस होना चाहिए कि इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन हो। वो चीज़ कर रहे थे कि लोग आ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, मालिनी गाँव में जाके पता कर रही थी क्या हुआ था, वो लिख रहे थे। वो चीज़ सरकार नहीं चाहती कि कोई भी सवाल उठाए उनके किसी भी एक्ट पे। देखिए, हाँ, ज़मीन एक सबसे मुख्य कारण है, ये तो सबको पता है। वहाँ की जो लड़ाई है वो वहाँ के जो खनिज उत्पादन है, वहाँ का जो माइनिंग, मतलब वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसी के लिए हो रहा है कई तरह से। सरकार जो कर रही है, क्योंकि जब मोदी गवर्नमेंट आया, उसी के कुछ एक साल के अंदर मोदी वहाँ आए दंतेवाड़ा में, और 24,000 करोड़ के MOU साइन किए गए हैं वहाँ पे। जब मुझे भी याद है, जब हम पहली बार SRP कल्लूरी से मिले थे, तो उन्होंने हमको एक ही बात बोली थी कि देखिए, अभी मेरा मीटिंग हुआ है एक हफ्ते पहले, ज़मीन तो खाली करनी है, फैक्ट्रीज तो खड़ी करनी पड़ेगी, उसके लिए ज़मीन खाली करना है, उसका एक ही सोल्यूशन है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, मिलिट्री सोल्यूशन है, हो जाएगा सारा साफ। देखो, मैंने सरगुजा में पूरा साफ कर दिया, बहुत प्राउडली। साफ करने से मतलब लोग आदिवासियों को मारने से है? अब वो तो वो बता सकते हैं उनका क्या मतलब था। जब आप फैक्ट्रीज खड़े करने की बात कर रहे हैं, लोगों को ज़मीन साफ करने की बात कर रहे हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? तो एक कारण, हाँ, ज़मीन है, बट कई एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी माइनिंग, मतलब माइनिंग के बहुत सारे प्रस्पेक्टस साइन हो चुके हैं, बहुत सारे वेट हो रहा है सैंक्शन का। आई थिंक दोनों कारण हैं। एक तो सरकार, कोई भी सरकार, जब अगर कोई ग्रुप सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करेगा, एक सोवरेनिटी का क्वेश्चन है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट कारण मुझे नहीं लगता है। ज़मीन ही जो हमें समझ आया, और मैं सिर्फ अपनी बातचीत से समझा बता रही हूँ, क्योंकि हमको तो साफ साफ यही चीज़ अभी भी बोली गई थी कलूरी से, जब फिर से इस बार हमारी बात हुई थी जिस दौरान ये सब चल रहा था, तब भी वो यही बोल रहे थे कि देखिए, फैक्ट्रीज तो खड़ी कर दी हैं। अब रमन सिंह का स्टेटमेंट देखेंगे, अभी हाल ही में फरवरी में तो उन्होंने कहा था कि देखिए, कल्चर बचाने के नाम पे हम डेवलपमेंट तो नहीं रोक सकते। तो सरकार क्या सोच रही है, और ये उनका, मतलब कुछ ट्विटर पे आई थिंक कोई ट्वीट था, बट आप इस तरह की बात कर सकते हैं? आप खुलेआम बोल रहे हैं कि देखिए, हम तो बस्तर में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, कोई कल्चर के नाम पे रोक थोड़ी ना देंगे हम। ये उनका मेन उद्देश्य है, ये साफ साफ दिखाई देता है, और जिस तरह से हो भी रहा है, क्योंकि पिछले जो फर्जी एनकाउंटर्स ये सब हो रहा है, लग तो यही रहा है कि आदिवासियों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे, साफ साफ शब्दों में। देखिए, जब हमने शुरू किया था 2013 में, जुलाई में, हमको पता था कि रेजिस्टेंस होगा। ये आज पहली बार नहीं है कि किसी पे वहाँ अटैक हो रहा है। हिमांशु कुमार के साथ जो हुआ वहाँ पे पत्रकारों के पे पहले भी इसी तरह का अटैक हुआ है। तो ये सब आई थिंक एक्सपेक्ट करके चला था, क्योंकि हमारा उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से हम गए थे वो यही था कि जो जेलों में लोग बंद हैं उनकी किस तरह से मदद कर सकें, जो फर्जी केसेस में अंदर डाले गए हैं। तो शुरू से एक तो वहाँ पे ये जो पूरा नेशनल एंटी नेशनल वाला जो चीज़ है, वो शुरू से है। अगर आप पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप माओवादी हैं। वहाँ पे कोई, मतलब आपका कोई बीच का कोई एरिया नहीं हो सकता आप सरकार पे एक सवाल भी उठाएं। और ये शुरू से हमारे साथ हो रहा है। हमने जैसे ही काम करना शुरू किया, कुछ महीनों बाद से ही हर कोई बोलता था कि आप नक्सलियों के लिए काम कर रहे हैं। कलूरी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी पिछले दो साल में, जहाँ बार बार बोला उसने, मतलब एक आर्टिकल में तो उसने बोला कि हम लोग पूरा माओवादी मूवमेंट चला रहे हैं, मतलब जिस तरीके से। और हमको हर थोड़े टाइम में धमकियाँ आती रहती थी, क्योंकि हमने कई मुठभेड़ों के लिए, हम सब जितनी भी मुठभेड़ हुई है जिन पे सवाल उठे हैं, कई उनमें से कई मुठभेड़ में हम लोगों को रिप्रेजेंट किया है। जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस रहे हैं उसमें हमने रिप्रेजेंट किया है, और आई थिंक हम
कई चीज़ें बाहर आने लग गई थी हम गए उसके बाद, तो चुप करने की कोशिश तो कई महीनों से की जा रही है बहुत अलग अलग तरीके से। पहले हमको कोर्ट में बैन किया गया काम करने से लास्ट ईयर, बार एसोसिएशन ने वहाँ पे जो काफ़ी क्लोजली मिली हुई है पुलिस के साथ, उन्होंने हमको बैन कर दिया कि आप बाहर से हैं आप यहाँ नहीं काम कर सकते, उसको हमने चैलेंज किया। तो उन्होंने फिर पुलिस ने खुद ने इस तरह से, मतलब ये जब हमको निकाला भी जा रहा था तो खिला, मतलब पुतले जलाना, धमकियाँ देना, जब बीजापुर में जब सेक्सुअल वायलेंस का केस हुआ था तो सबको धमकियाँ आई थी कि अब के बाद कभी आप बीजापुर में एंटर मत होना। मतलब हमको कहीं कहीं से आ रही थी, सोनी के घर तो पर्चे फेंके गए थे कि अगर बीजापुर आए तो तुमको नंगा करके जला देंगे। तो जो सोनी के साथ हुआ ये हम कब से उम्मीद कर रहे थे, कि क्योंकि जो सवाल उठने गए थे, मतलब ये तो पेपर में मैं तो बता रही हूँ कि पर्चा आया था उसके घर पर कि अगर आई तो तुमको जला देंगे नंगा करके। तो ये धमकियाँ सबको इस तरह से फील हो रहा था। मालनी के, मालनी को भी, मालनी पे भी सवाल उठाना इन लोगों ने जनवरी से शुरू कर दिया था। तो ये आई थिंक हमको काफ़ी साफ दिखाई दे रहा था, इतनी बेशर्मी से करेंगे नहीं पता था, इतना खुलेआम मतलब पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, उसके बाद भी उन पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद भी मतलब हमारे लैंडलॉर्ड को उठाया गया, हमको धमकाया गया, सब कुछ जो किया गया वो एकदम, मतलब वो जो इम्प्यूनिटी थी वो साफ दिख रही थी। मतलब हमको कलूरी ने साफ साफ बोला था कि आपका दिल्ली में बहुत पहचान होगा, यहाँ आप पोजिशनल माइनॉरिटी में हैं तो आप ये याद रखिए, तो अगर आपको यहाँ पे रहना है तो चीज़ों को स्पाइरल नहीं करते हैं। मतलब मालनी के घर वो एक सीज फायर के लिए आया था, ही केम टू मालनीज हाउस जब ये सब चल रहा था, एंड उसने बोला कि हम सीज फायर के लिए जाते हैं, आप चीज़ों को स्पाइरल मत कीजिए, कहीं और से भी स्पाइरल नहीं होगी, ये उसके शब्द हैं मेरे नहीं हैं। तो हमको साफ साफ मतलब क्या है, धमकी तो है ना कि आप बोल रहे हैं कि आप मत मुंह खोलिए नहीं तो फिर आप देख लीजिए आप यहाँ पे क्या होगा, बस बहुत ही प्यार से धमकी देके गए थे हमको। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दिख रहा था, कई शुरू से एक्सपेक्टेड था कि सरकार से अपोजिशन आएगा, वो इवेंचुअली हुआ, इस तरह से होगा नहीं पता था, पर जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर जो मतलब हमारे साथ जो हुआ वो इतना बुरा नहीं था, हमारे पास ऑप्शन था इवेक्ट होने का, जो ज़मीन पे हो रहा है वो कई गुना बुरा हो रहा है, और उसको छुपाने के लिए ही किया गया जो हमारे साथ किया गया। वो नहीं चाहते थे कि कोर्ट में लोगों को फ्री रिप्रेजेंटेशन मिले, जो कोर्ट में हो रहा है वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें बाहर आए, वो नहीं चाहते थे कि इनकाउंटर्स पे सवाल उठे, वो नहीं चाहते थे कि कोई वकील जाके खड़ा हो जब सेक्शुअल वायलेंस का केसेस हो रहा था। तो सच को दबाने की कोशिश है, जो जो थोड़ा उसके तरफ काम कर रहा था उन सबका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है और की गई है। स्थानीय पत्रकारों की हालत मतलब ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को थोड़ा रोका जा रहा होगा, लेकिन जो सबसे वल्नरेबल हैं वो यही स्थानीय पत्रकार हैं वहाँ के। वहाँ पे होता क्या है ना कि पत्रकारों की कैटेगरी है हर जगह, हर कोई, एक तो आप लोकल जो ज़मीन पे होते हैं, जो गांव में इनको स्ट्रिंगर्स बोलते हैं, इनको परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, प्रेस कार्ड होता है तो भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, तो जो वहाँ देखा जा रहा है, और क्योंकि वो ज़मीन पे होते हैं, जैसे संतोष यादव के साथ हुआ, वो दरभा में थे जब दरभा घाटी का हमला हुआ था, दरभा मतलब वो उनके घर से थोड़े दूर पे था, दरभा मतलब उनके घर से थोड़ा दूर था, उसी डिस्ट्रिक्ट का बात है, तो वो पहले रिपोर्टर थे जो ज़मीन पे वहाँ गए और उसको रिपोर्ट किया, तो पुलिस उनसे सवाल करने लग गई कि आप तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए, तुम्हें कैसे पता कि एनकाउंटर हो रहा है, पक्का तुम भी शामिल हो गए उसमें। बात यह है कि, और यही चीज़ होता है कि यहाँ पर किसी पत्रकार पर अटैक होता है तो बहुत बड़ी बात, तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। वहाँ पर जो पत्रकार हैं और जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो सारी यहाँ पे बाहर का कोई पत्रकार वहाँ काम नहीं कर पाएगा अगर ये लोकल पत्रकार नहीं हो, ज़मीन की जो स्टोरीज़ है वो यही लोग निकाल के देते हैं, अंदर जाने का काम, सब कुछ काम यही लोग करते हैं, कहानियाँ सारी ये निकाल के जो नेशनल जर्नलिस्ट को भी यही लोग देते हैं। एक नेशनल जर्नलिस्ट आके अकेला नहीं जा सकता, कोई नेशनल जर्नलिस्ट अकेला नहीं घूम सकता जब तक उनको कोई लोकल जर्नलिस्ट वहाँ पर नहीं लेके जाए, तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। लेकिन जब आप बड़े अखबार से आते हैं, अंग्रेज़ी अखबार स्पेशली, उनको कई प्रोटेक्शन होती है। यहाँ पे जो हमने एटलीस्ट देखा है संतोष के केस में, सोमारू के केस में, प्रभात के केस में, न्यूज़पेपर वाले मतलब उनको अपना मानने से भी इनकार कर देते हैं कि नहीं हमारे साथ तो नहीं था, मतलब वो एक्सेप्टेंस लाना वो भी बड़ी बात होती है। वो सोमारू का जब हुआ था, उसके परिवार वालों ने बात करने की कोशिश करी जिस पत्रिका के साथ, जिस अखबार के साथ वो थे, उन लोगों ने बोला कि हम तो आपका वर्जन तो छाप देंगे लेकिन हम मतलब उसको नहीं मानेंगे कि वो हमारा पत्रकार है और गलत हुआ है।
तो जिस आपका जो एम्प्लॉई है वही आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में छोड़ देता है. और ये भी बात है कि देखिए वॉर चल रहा है, जो पत्रकार है उनको इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो दोनों तरफ की कहानियाँ कर पाए. अब आप नेशनल जर्नलिस्ट को तो देखते हैं कि वो अंदर जंगलों में जाते हैं, माओवादियों का इंटरव्यू लेके आते हैं और छाप देते हैं, उनको कभी कोई सवाल नहीं उठाया जाता है. लेकिन यही काम अगर कोई लोकल जर्नलिस्ट करे, अगर उसका माओवादियों से कोई भी एक कॉन्वर्जेशन का कहीं बात भी आ जाए बिना जाने कि एक ये पॉलिटिकल रियलिटी है, अगर वहाँ सरकार है तो वहाँ माओवादी भी हैं, सबका इंटरेक्शन होता है. एज अ जर्नलिस्ट उनका ड्यूटी बनता है कि वो दूसरे तरफ की भी कहानी छापे. लेकिन वो कहानी अगर नेशनल जर्नलिस्ट करता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन लोकल जर्नलिस्ट करता है तो आप उसको इन्फॉर्मर बोलते हैं कि आप नक्सलियों के साथ मिले हुए हैं. आप वहाँ पे जो पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि जो बस प्रेस रिलीज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप वैसा का वैसा उसे छाप दीजिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं उठा सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, बस प्रेस रिलीज कलेक्ट करते हैं और जो पुलिस बोलती है वो छपता है. वहाँ पे दबाव जिस तरह का है, मतलब पत्रकारों से बात करेंगे तो बोलते हैं हमने तो फील्ड में जाना छोड़ दिया है. कौन मतलब नहीं तो, और ये सिर्फ पुलिस की साइड से नहीं हो रहा है, नक्सलियों ने भी दो पत्रकारों को इन्फॉर्मर्स करके मारा है. तो मतलब आई थिंक ये जो इसीलिए जो ये स्ट्रगल है जो जर्नलिस्ट का शुरू हुआ है वो काफ़ी मायने रखता है, स्पेशली जब ऐसी वॉर सिचुएशन होती है उसमें फ्रीडम, उसमें एक प्रेस का क्या भूमिका होता है, उसमें उनको कितना इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, उसमें किस तरह का मतलब सरकार किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस डाल सकती है फ्रीडम ऑफ प्रेस पे. आई थिंक इस चीज़ का सवाल अब उठाया जा रहा है जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. देखते हैं उसका क्या होता है. अभी संतोष यादव के केस में क्या वो अभी जेल में है और क्या जेल में है, उसको काफ़ी बड़े केस में डाला गया है. एक एम्बुश हुआ था लास्ट ईयर जिसमें एक एसटीएफ के जवान मरे थे, वो भी मतलब संतोष का मुझे याद है क्योंकि मैं संतोष को उसके कई पहले से जानती हूँ. इनफैक्ट संतोष उनमें से एक दरभा में मतलब उनमें से एक था जो गांव में अगर कुछ भी होता था तो लोग उसके पास मदद के लिए आते थे, तो वो कई लोगों को हमारे पास लाया था केसेस के लिए जब लोगों, क्योंकि दरभा में बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट ईयर एक समय था कि हमको रोज़ फ़ोन आ रहे थे कि आज 5 लोग गायब हैं, आज 6 लोग गायब हैं गांव से. तो संतोष कई लोगों को, इवन सोमारू का केस संतोष ही लेके आया था. तो जब वो आया तो हमको, लेकिन संतोष को पिछले, जैसे मैं बता रही हूँ, कई समय से डराया जा रहा था, कई समय से धमकियाँ दी जा रही थी, उसे फोर्स किया जा रहा था इन्फॉर्मर बनने के लिए. उसको एक बार थाने पे रख के नंगा रख के बिठाया 1 साल पूरा, उसको 5 लाख रुपए ऑफर भी किए थे कि इन्फॉर्मर बन जाए, जो उसने बिल्कुल ना कर दिया. उसका काम नहीं है, वो पत्रकार है और वो जो उसका ड्यूटी था वो वही करना चाह रहा था. तो हमको डर कई महीने पहले था कि संतोष पे कुछ होने वाला है, लेकिन पता नहीं था कि क्या होने वाला है. जुलाई में PUCL का इनफैक्ट एक वो भी आया था, रिलीज़ भी आया था प्रेस रिलीज़ कि उनको कि डर है कि संतोष की ज़िंदगी को खतरा है और उसको पुलिस कुछ कर सकती है. उसके कुछ महीने बाद एक इंसिडेंट हुआ, एक बद्रीमऊ करके गांव है दरभा में, जहां पे कुछ 7 लोगों को 2 हफ्ते के अंदर वहां पे पकड़ा था फर्जी केसेस में और उनको जेल में डाला था. उन सबके केसेस संतोष ही हमारे पास लेके आया था. पुलिस ने तो गांव वाले कई सवाल उठा रहे थे उस अरेस्ट पे. 29 सितंबर की बात है जब पुलिस ने गांव वालों को बोला, बद्रीमऊ गांव को पूरा बोला कि आप दरभा थाने पे आइए, पूरा गांव आइए और फिर हम नेगोशिएट करेंगे कि कैसे रिहाई कर सकते हैं 5 लोगों की. जब पूरा गांव गया दरभा थाने पे तो पुलिस वहां पे कपड़े बांट रही थी, टेंट वेंट लगा हुआ था, गांव वालों को समझ नहीं आया क्या चल रहा है. तो उन्होंने संतोष, और संतोष एज अ पत्रकार उसे इन्वाइट किया गया था तो संतोष वहां गया रिपोर्ट करने के लिए. जब वहां के गांव वालों ने संतोष से पूछा कि क्या हो रहा है, हम तो रिहाई के लिए आए हैं, तो संतोष ने फिर सवाल उठाए पुलिस वालों से, जहाँ कल्लूरी भी मौजूद था. वहाँ पे सबके सामने उसे धमकी दी गई कि अब तुम्हारा नंबर है. उसके 2 घंटे बाद उसको अरेस्ट किया गया. उसको पुलिस आई बोलने के लिए कि कल्लूरी साहब थाने पे बुला रहे हैं, उसे लेके जाया गया और फिर 2 दिन उसको इलीगली डिटेन करके रखा गया. और जब बहुत बवंडर मचा, जब पुलिस वालों, जब पत्रकारों ने सवाल उठाए और सब कुछ करना शुरू करा, तब जाके उनको कोर्ट में पेश किया गया. और वो भी शुरू में पुलिस का कहानी था कि वो नक्सलियों को सप्लाई करते थे मटेरियल, लेकिन सडनली 1 महीने बाद पुलिस का एक एप्लीकेशन आया कि है कि नहीं नहीं एक वो एसटीएफ जवान था, उसको अब याद आया कि वो तो उस एम्बुश साइट पे ही मौजूद था. तो अभी जो उस पर धाराएँ लगी हैं काफ़ी
मर्डर का केस, मर्डर की धारा लगी है, UAPA लगा हुआ है, NIA कोर्ट है वहाँ पे उसका केस चल रहा है, बट वो अकेला नहीं है उस केस में, उसमें 20 लोग और हैं उसके अलावा, सब फर्जी केसेस में, मतलब हम लोग के हैं 13-14 क्लाइंट्स उसमें से, सबको फर्जी केस में वहाँ पे अंदर डाल रखा है, और वही लोग जिनके लिए संतोष सवाल उठा रहा था उन्हीं के केस में उसको डाला है, मतलब जो 5 लोगों के रिहाई के लिए लोग आए थे एग्जैक्टली सेम केस में अब संतोष को अंदर डाल दिया है कि वो उसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, तो आप सवाल उठा ही नहीं सकते, मतलब उसने कोशिश करा सवाल उठाने का वहाँ पे क्या चल रहा है, और आपने उसे 2 घंटे के अंदर जेल में डाल दिया, और आज जिस तरह से, क्योंकि उसकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है जो लोअर कोर्ट में लगाई थी, चालान अभी कुछ समय पहले पेश हुआ है, अभी तक चार्ज नहीं लगा है क्योंकि कभी कोर्ट में पेशी नहीं होती है, जब भी चार्ज लगना होता है तो कोर्ट में लाना पड़ता है, लेकिन इतने सारे लोग हैं वो लोग कभी कोर्ट में लेके नहीं आते हैं उनको, जिसके कारण से चार्ज नहीं लग पा रहा, तो केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन जो मैं देख रही हूँ ये केस काफ़ी लंबा चल रहा है, मतलब सोमारू तो छूट जाएगा जल्दी, उसका उसके केस में इतनी बड़ी धाराएँ नहीं हैं, लेकिन संतोष को कई साल लग जाएंगे निकलने में। देखिए चीज़ें तो बहुत बुरी होने वाली है, मतलब जो डर है हमको कि हालात, मतलब अभी से कई ज़्यादा बुरे हालात होने वाले हैं, जो कहानियाँ सुनने में आ रही है हर दिन आप कुछ नया सुन रहे हैं, सरकार नहीं रुक रही है, मतलब हमारे ऊपर जो हुआ, जो मालिनी के साथ हुआ, सोनी के साथ हुआ, इतनी बस्तर पे बात हो रही है लेकिन उसका असर ज़मीनी तौर पे कुछ नहीं दिखाया जा दे रहा है, आज भी हम वापस नहीं जा सकते, आज भी मालिनी वापस नहीं जा सकती है, आज भी बेला को डराया धमकाया जा रहा है वो रहने की वहाँ कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी वो जो सब सवाल उठाने की जो कोशिश मतलब करेंगे, लेकिन आज और जो ज़मीन पे, जो ज़मीन पे जो गांव वालों के साथ हो रहा है उसमें कोई अंतर नहीं आया है, वो तो इनफैक्ट बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, तो हम लोग को सबको आई थिंक काफ़ी डर है कि जो स्टेट का जो रवैया है जिस चीज़ों को लेके वहाँ पे, मतलब जुदुम जैसी चीज़, जैसा जुदुम के समय जिस स्केल पे हुआ था उससे ज़्यादा कई वर्स आई थिंक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि बाहर जो लोग हैं, हम लोग बस्तर पे जो अभी एक चर्चा शुरू हुई है वो ख़त्म ना हो, सरकार को पुश किया जाए कि कोई तरीका नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, उसको उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस जाएं, ज़मीन पे तो लोग लड़ी रहे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं तो ज़मीन की लड़ाई नहीं चल रही है, गाँव में आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं आवाज़ उठाने की, बस ये है कि खबरें अब बाहर आना बंद हो चुकी है, जो बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत हिम्मत मिलती है, जिससे सरकार पे सवाल थोड़े खुल के उठते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि लोग वहाँ जाते रहे, इसलिए ज़रूरी है कि ये सब बातें बाहर आती रहे, मतलब हम ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे थे, बस जो चीज़ें वहाँ हो रही थी उसको जाके चेक कर रहे थे और उस पर आवाज़ उठा रहे थे, आज अब हम सबकी एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और सिर्फ बस्तर में रहने वालों की नहीं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बस्तर जो हमेशा एक नेग्लेक्टेड एरिया रहा है वो हमेशा ऐसा ना रहे, और यहाँ बाहर हम लोग सब बस्तर पे आवाज़ उठाएं, सरकार जो सोच रही है उसे ना होने दे, उसे अगर किस तरह से रोका जाए तो, और ये हम सबका एज ए सेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिटीजन ऑफ द कंट्री कि हम ये चीज़ करें। बहुत शुक्रिया।